हाँ यार, क्या मस्त मेमोरी थी वो। अबे याद है तुम्हारे को हम लोग बचपन में कितनी घंटे बजा के भागा करते थे? अबे ओ, कौन से बचपन की बात कर रहा है? 10.5 क्लास तक तूने घंटे बजाई हमें मत सिखा, ठीक है? हाँ भाई, हमने घंटे तो काफी बजाई है। अबे तू क्या कह रहा है भाई, फट्टू पनौती? ए बेटे, इसने ऐसा क्या काम कर दिया फट्टू पनौती वाला? अंकल मैं बताता हूँ आपको, एक बार हम तीन लोग गए थे घंटी बजाने, तो हम लोग एक फ्लोर पे पहुंचे। मैंने ऐसे बोला तू लिफ्ट रोक के रखियो, हम दोनों घंटी बजा के आ रहे हैं। जैसे ही हम दोनों घंटी बजा के लिफ्ट के अंदर घुसे, इसके दिमाग में पता नहीं कौन सा फोड़ा हो गया, लिफ्ट से बाहर निकल के सामने कांच का दरवाजा था जिसके अंदर बिजली की तारे थी। वहां जाके महाराज जी ने अपने लात मार दी, कांच टूट गया। अब अपना सर ही मार देता उसमें, यहां से एक पनौती तो कम हो जाता, फिर क्या होना था? मुंह निकल गया, रोने लग गया। भाई अब क्या होगा, भाई भाई अब क्या होगा? अरे भाई ऐसा, अबे चल ऐसी हुआ था, वो तो फोन ना था मेरे पास, नहीं तो तेरी शूटिंग कर लेता उसी टाइम पे मैं। अरे अंकल, हम जितनी बार भी फंसने वाले थे ना, इसकी वजह से फंसने वाले थे। ये बार क्या हुआ, हम चार लौंडे गए घंटी बजाने के लिए। मैंने बोला इस बार लिफ्ट रोक के रखियो, अब कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। ये मेरे को कह रहा है ठीक है ठीक है। जैसे हम तीनों लोग लिफ्ट के पास आ रहे थे घंटी बजाने के बाद, इस महाराज जी का दिमाग पता नहीं कहाँ पे था, लिफ्ट रोके नहीं, लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, खुद तो महाराज जी नीचे चले गए, घरों के दरवाजे खुल गए, हम लोग नीचे भागे सीढ़ियों से किसी तरह से बच के। यार भाई तूने भी कुछ झंडे निकाले। हाँ मैंने क्या किया जरा बताइयो। बताता हूँ। हाँ बता अंकल। कभी कभार हम लोग पता है क्या करते थे, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से घंटी बजाने जाते थे। तो हमारा प्लान ये होता था कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तो घंटी बजाएंगे और थर्ड फ्लोर पे रुक जाएंगे। हम ऐसा करते थे, महाराज जी थर्ड फ्लोर पे घंटी बजाते थे, हमें भागना पड़ता था फिफ्थ पे, फिफ्थ पे घंटी बजा दी भगा दिए, सेवन्थ पे घंटी बजा दी भगा दिए, नाइन्थ पे, ऐसे करते करते पूरे 12वें फ्लोर तक भगाया इसने हमें। बेचारा फिर तो थक गए होगे तुम बहुत ज्यादा। अंकल थक गए थे, 2 मिनट और रुक जाते इससे ग्लूकोज की ड्रिप चलानी पड़ जाती, इतनी बुरी हालत हो गई थी। मैं इसके कह रहा हूँ, उसी के हाथ जोड़ रहा हूँ, तेरे पैर पड़ रहा हूँ, अब घंटी मत बजाइयो। ये मेरे को ऐसी शक्ल बना के कहता है ठीक है भाई, ऐसे करके इसने फिर घंटी बजा दी। पूरे 15वें फ्लोर तक भगाया इसने हमें। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, उसके बाद हम लोग लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, महाराज जी हर फ्लोर पे गालियां चलना चाह रहे हैं क्योंकि लिफ्ट के सारे बटन तो दबाई रखे हैं इन्होंने। जैसे हम लोग नीचे पहुंचे, एक अंकल ने हमें पकड़ लिया, फोन अंकल से बहस करने लग गया। अंकल वो कह रहा है अबे तू बड्डे क्या कह रहा, तू तो अभी सब्जियां लेके आओ, अपना घर जाके संभाल। अच्छा जी तेरी बताऊं हम मैं। अंकल हमारी सोसाइटी में ना हर बिल्डिंग को एक एक सिक्योरिटी गार्ड दिया हुआ है जो कि ग्राउंड फ्लोर की लॉबी पे बैठता है उसे सिक्योरिटी करने के लिए। हम जैसी ऊपर से नीचे घंटी बजा के आ रहे थे, ये महाराज जी ने गार्ड को 2-4 गालियां दी और लॉबी की लाइट बंद करके भाग गया। अबे ऐसे तो, अबे चल ऐसे हुआ था, गार्ड ने हमें बेसमेंट तक भगाया था, बेसमेंट तक। सोसाइटी में इसी की वजह से साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि जंगली कुत्तों से सावधान रहें। लेकिन अंकल उसके बाद हम 2 महीने तक हमारा नीचे आना बंद हो गया था। लेकिन जैसे ही 2 महीने बाद वापस नीचे आए थे ना, उसी दिन घंटी बजाई थी, उसी दिन। अरे अंकल ये तो मेरे को कहते थे कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है तो हमारे साथ घंटी बजाने जाएगा, फिर मैं चला जाता था। अरे तू वो वाली तो बता अंकल को। जय अभिजी मैं चलता हूँ। अरे अंकल बैठो ना, कहाँ जा रहे हो? अभिजी वो सब्जियां लेके आनी है ना घर के लिए। अंकल वैसी इस उम्र में क्या खाना चबाओगे, सारे के सारे दांत निकली हैं आपके, उबला हुआ आलू ही चबाना है आपको, बैठ जाओ 2 मिनट। ये अभिजी तुम बेइज्जती क्यों करने लग जाते हो मेरी? ए तो बताओ भाई। हाँ अंकल, जैसे ही 2 महीने बाद हम घंटी बजाने के लिए वापस आए ना, इस बार हम 5 लोग गए थे घंटी बजाने के लिए। हम ऊपर से नीचे घंटी बजा के आए, जैसे हम नीचे पहुंचे 2 आंटियों ने पकड़ लिया। मैं और भोपेश तो बेसमेंट के रास्ते से छुपके छुपके भाग गए, 2 लोगों को पकड़ लिया आंटी ने, और ये ये साइकिलों के पीछे जाके छुप गया। जब सिक्योरिटी गार्ड ने से पकड़ा ना, ये कह रहा है अरे भैया मैं तो साइकिल देखने आया हूँ, मुझे साइकिल लेनी है ना, साइकिल देखने आया हूँ मैं। हाँ तो भाई मुझे चाहिए थी ना साइकिल। अरे चल तेरे घर तक बात गई थी, तेरा फिर 2 महीने आने तक नीचे बंद हो गया था, हमें सिखा रहा है। बैठो ना, एक तो बनती है। अरे एक वो और बता दे अंकल को। कौन सी वाली? चल छोड़ मैं बताता हूँ। अंकल वैसे देखो लौंडे में दिमाग बहुत है, एक बार हम तीनों लोग ऐसे घंटी बजा के ऊपर तक भागे, हम लोग इतने ज्यादा थक गए थे, हमें प्यास लग रही थी, 15 फ्लोर तक भागे थे। हम कह रहे भाई अब क्या करें, ये क्या किया, किसी भी घर में घंटी बजा दी, और वहां आंटी को कह रहा है आंटी हमारी बिल्डिंग में बच्चे घंटी बजा रहे हैं, हमारे घर पे भी बजाइए हमें प्लीज, पानी दे दो, प्यास लग रही है बहुत जोर से। आंटी ने पानी दिया, बस पानी पी लिया, उसी के 5 मिनट बाद आंटी के घर पे घंटी बजा के भागे हम। जय विजय। अरे अंकल बैठो ना। ए विजय जाने दो ना मुझे, घर वाले के लिए सब्जियां लानी है, मैं उबला हुआ आलू खाऊंगा, घर वाले तो राजमा चावल खाएंगे ना भाई। अरे अंकल आखिरी में क्या कहेगा, सब टाइटल तो देते जाओ।